जी नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नादिया हमीद नेशनल टीवी के प्रोग्राम कानून क्या कहता है में हाजिर खिदमत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है, अमानत पे खयानत, कि हम कभी कभी लोगों पे एतबार करके उनको अपनी चीज़ कुछ अमानतन दे देते हैं या वो ले जाता है कि मैं वापस कर दूँगा, तो उसके बाद वो पैसे हों या वैसे कोई फ़िज़िकल चीज़ हो तो बाद में लेना मुश्किल हो जाता है और लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है। तो आइए जानते हैं क्या कानून इसमें हमारी किस तरह मदद करता है, और इस तरह की कानूनी रहनुमाई हासिल करने के लिए हमने जिस गेस्ट को दावत दी है वो हमेशा हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो मिलते हैं जावेद गिल एडवोकेट साहब से, जो कि हमेशा ही हमारे मदद करने पे आते हैं और अपनी जो कानूनी मदद है वो फराहम करते हैं। आए नाज़रीन उनसे बात करते हैं। जी जावेद गिल साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम कानून क्या कहता है में खुश आमदीद कहते हैं, और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही हमारे लिए अहम है, तो हम चाहेंगे कि आप हमें इस पर रहनुमाई फराहम करें ताकि देखने वाले नाज़रीन जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया मिस नादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक के लिए मदद किया, और मैं नेशनल न्यूज़ चैनल को, आपको और सारे कैमरामैन को और पूरी टेक्निकल टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप गाहे बगाहे ऐसे प्रोग्राम तरतीब देते हैं जिससे पब्लिक एट लार्ज को, ख़ासतौर पर जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको फ़ायदा हासिल हों और वो कानून से वाकफियत हासिल करें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सर आपका। जैसे हमने जिक्र किया इंट्रो में भी कि आज हम बात करेंगे अमानत में खयानत यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो पहले तो इसको एलैबोरेट करें कि कानूनी इस्तलाह में ये क्या है। जी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक्ट ये है कि जो आम सादा अल्फाज में हम इनको कहते हैं कि किसी के एतमाद को ठेस पहुँचाना। इसकी जो डेफिनेशन है, ये जो कन्विक्शन है, पनिशमेंट है, वो 406 में होती है, सेक्शन 406 PPC पाकिस्तान पिनल कोड। लेकिन इसकी अगर इसकी जो जैसे आपने इस्तलाह की बात की है, डेफिनेशन की बात की है, वो सेक्शन 405 है जो इसको बयान करता है कि एक्चुअली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की तारीफ है या उसकी जो डेफिनेशन है वो विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 405 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। और उसके बाद इसके जो कन्विक्शन है जो अवार्ड की जाती है, वो जो ट्रायल होता है वो 406 के अंदर ट्रायल उसको किया जाता है। इसकी असलाह के अंदर यह है कि किसी को अगर अमानतन आप कोई रकम देते हैं, कोई अमाउंट पे करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ अमानतन रखवाते हैं कि ये आप रख लें, एट द टाइम ऑफ नीड में आपसे आके वापस तलब कर लूँगा और ले लूँगा, लेकिन जिसके पास वो अमानत रखाई गई है, अगर वो असल मालिक के आने से पहले उसको यूज़ करता है, या उसको अपने इस्तेमाल में ले आता है, अपने तसरफ में ले आता है, या उसको वो खुर्दबुर कर देता है, या उसको वो सेल आउट कर देता है, या उसको वो किसी और की कस्टडी में ले जाता है, तो इसको हम कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसी चीज़ जो अमानतन रखाई जाए और उसका मिसयूज़ किया जाए, उसको किसी दीगर शख्स पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या उसको सेल आउट कर दिया जाए, या उसको डैमेज कर दिया, या उसकी जो ओरिजिनल हालत है, असल हालत है, उसको उसमें बिगाड़ लेके आ जाए, इट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो सर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को यानी अमानत में खयानत को साबित करने के लिए या उसको एलैबोरेट करने के लिए कौन कौन से अज्जा जो है वो मद्देनज़र रखते हैं कानूनी नुक्ता नज़र से? जी कानूनी नुक्ता नज़र से जो 405 सेक्शन के अंदर ही लिखा है कि जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को प्रूव करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल नीड टू एस्टेब्लिश द फैक्ट कि फैक्चुअली जो इंट्रस्टमेंट है, यानी जिसे उर्दू में हम उसके हवालगी कहते हैं, तो उस चीज़ का जिस चीज़ की बाबत मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये मिसाल के तौर पर ये मेरा मोबाइल है, मैं ये मोबाइल आपके पास अमानतन रखवा रहा हूँ, तो ये मैं अगर आपको कह दूं कि जी मैं आपको मोबाइल अमानत रखा रहा हूं, लेकिन ये मोबाइल की मैं कस्टडी आपको नहीं देता, तो वो 405 के जो डेफिनेशन में नहीं आता, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, इसको साबित करने के लिए मुझे इस मोबाइल को फिजिकली आपको ये देना पड़ेगा, यानी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगी, इंट्रस्टमेंट अमल में आएगी तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ये डेफिनेशन में आएगा, अगर इंट्रस्टमेंट मिसिंग है तो फिर 406 नहीं लगेगी। अलबत्ता आपका सवाल ये था कि क्या इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कौन सी चीज़ें दरकार हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी कोई आप चीज़ रखवाएं या कोई अमानत किसके पास रखवाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रिड्यूस इन राइटिंग करें, उसकी कोई कच्ची ले लें, रसीद पक्की ले लें, कुछ ना कुछ ऐसा लें जो डिस्क्राइब करे या उसको एलैबोरेट करे कि ये चीज़ हमने आपको हैंड ओवर की है, और इसमें लफ्ज़ ये लिखना है अमानत में खयानत, बास का लोग अमानतन दे रहा हूँ और एट द टाइम ऑफ नीड मुझे आप वापस कर दीजिएगा, इतने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, स्पेसिफिक टाइम के अंदर या ना स्पेसिफिक टाइम ना भी हो सर, ये कि मैं अमानतन रखा रहा हूँ और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगा,
या ले लूँगी, ये चीज़ इसके अंदर लिखनी होनी चाहिए। अगर नहीं लिखी होती, बाद का लोग एग्रीमेंट लिखवा भी लेते हैं पर लफ्ज़ उसमें अमानत में खयानत नहीं लिखते कि अगर होगा तो अमानत में खयानत होगा, और एफ आई आर में वो लफ्ज़ नया इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि अमानत में खयानत। उसमें फिर लोगों को ये होता है कि जो मुलजमान हैं उनको बेल आउट हो जाते हैं और जल्दी बेल मिल जाती है उनको, क्योंकि वहाँ पर अमानत में खयानत तहरीर के अंदर नहीं लिखा होता, डाउट पैदा होता है, डाउट पैदा, बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर वो उनको जो है ना फर्दर इंक्वायरी का केस बन जाता है। यानी स्टेटमेंट्स फर्क हो गए, स्टेटमेंट एक कंट्राडिक्शन आ जाते हैं जी। तो सर इसमें जब अमानत में खयानत हो गई, हमने वो इंग्रेडिएंट्स भी पूरे कर लिए, अब मुझे बताएं कि इसमें एक पर्सन जो अग्रीव्ड है या जिसके साथ जिसकी अमानत में खयानत हो गई है, उसको कानून क्या रेमेडीज देता है? जी कानून का जो हमारे पास एक कानून की किताब है वो है जी सेक्शन 154 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 154 है। वो जो आपका इलाके का कंसर्न ऐसा जो है उसके पास 154 में ये पार अवेलेबल है, डिस्क्रिशन है उसकी कि आप जब देते जब उसको मुफ्त करते हैं दरख्वास्त। पहले दौर में ये था कि आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलती थी, आपकी एप्लीकेशन महीनों महीनों पड़ी रहती थी मुहर के ड्रॉर के अंदर और उस पर कोई एक्ट अपॉन नहीं होता था। अब ये एक डिजिटल दौर है और IG साहब ने और जो IG पंजाब हैं और जो मुतलका इदारे हैं उन्होंने अब तो आपको वन विंडो फ्रंट डेस्क बना दिए हैं, इसलिए अब वो इशू मुहर वाला निकल गया, ख़त्म हो गया। जिस शख्स के साथ भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है वो जाए एक एप्लीकेशन दे तहरीरी तौर पर और जाके फ्रंट डेस्क पर जमा कराए जी मेरे पास ये मेरी चीज़ थी जो मैंने मानता फलां को रखाई थी, फलां ने इसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया, उसको सेल आउट कर दिया, उसको डैमेज कर दिया, इसकी ओरिजिनल हालत को ख़राब कर दिया है या उसको अपने इस्तेमाल भी लिया और उसको इतना बिगाड़ पैदा कर दे कि असल हालत उस चीज़ की नहीं दी। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वो दरख्वास्त अब रिटर्न देंगे फ्रंट डेस्क के ऊपर, वो फ्रंट डेस्क वाले आपकी दरख्वास्त को एक्नॉलेज करेंगे बाई इशूइंग अ सेपरेट रिसिप्ट जिसके अंदर लिखा होगा कि ये 406 के आपका एलिगेशन है, ये आपने दरख्वास्त दी और फलां शख्स को ये रेफर किया जा रहा है फॉर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, और प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर सफिशेंट मटेरियल कम्स और अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड तो फिर उसमें आपकी ऑनलाइन जो FIR दर्ज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट दैट इज रिड्यूस इन राइटिंग एट द टाइम ऑफ फ्रंट डेस्क। एक और भी आंसर मैंने सुना है बिल मुशाफा गुफ्तगू वाला। जी बिल मुशाफा गुफ्तगू तो तब होती है कि वंस योर एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, द रिसिप्ट इज इशूड इन योर फेवर और नरेटिंग देर इनकी जी फलां आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है या ASI है या SI है, वो आपकी प्राइमरी इंक्वायरी के लिए पहले दोनों पार्टीज को सेक्शन 160 है CRPC का जाब्ता दीवानी का दफ़ा 160 का नोटिस कहते हैं, वो दोनों पार्टीज को भेजते हैं कि जो आप आएँ और जो एलिगेशन लगाने वाले उसको मौका दिया जाता है या आप बताएं, और जो दूसरी पार्टी जिस पर इल्ज़ाम लाया पार्टी है उसको मौका दिए कि आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। दोनों पार्टीज को आमने सामने क्रॉस क्वेश्चन के लिए बिठाया जाता है इन ऑर्डर टू एसरटेन द रियल फैक्ट्स, तो वो रियल फैक्ट जो सामने आते हैं इफ़ कम्स विद इन द कॉग्निजेबल फैक्ट्स ये मेड आउट होता है तो FIR रजिस्टर हो जाती है। अगर वो उसमें एडवर्स को ऐसा एविडेंस डिफेंस लेके आ जाती है जो मुलजम लेके आ जाता है तो मैं तो इमानत में खयानत नहीं की, मेरी तो उसके साथ बिजनेस ट्रांजेक्शन थी और देर वाज अ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस था और लॉस एंड प्रॉफिट बेस्ड था, अब जब फ़ायदा होता रहा तो ये मुझसे फ़ायदा लेते रहा, अब जब बिजनेस नुकसान में चला गया तो अब ये कहता है जी मैंने तो आपको पैसे दिए थे और वो मेरे अमानत वापस करें, जबकि वो अमानत नहीं है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है और जो इन्वेस्टमेंट होती है इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है दैट डज नॉट कम विद इन द एमिट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो सर क्या इसको सिर्फ हम जाब्ते फौजदारी के मुताबिक ही प्रोसीड कर सकते हैं या उसका और भी अल्टरनेट है सिविल लॉ में भी? जी सिविल लॉ में भी है, उसमें ये होता है कि फर्ज करें आप रकम की अमूमन रकम की बात होती है कि मेरी अमाउंट लूट ली गई क्रिमिनल ब्रीच, उसके लिए आपको ऑर्डिनरी कोर्ट में जो सिविल कोर्ट फर्स्ट कोर्ट स्टांस है प्लानरी जुरिडिक्शन जो वो सिविल कोर्ट है उसमें आप रिकवरी का सूट फाइल करते हैं ऑर्डिनरी सूट फॉर रिकवरी ऑफ रुपीज इतने इतने जो भी आप क्लेम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो है ऑर्डिनरी पर्सन के लिए यानी आम शख्स के लिए। अगर यही जुर्म कोई करता है कोई मुलाजम आपका कोई घरेलू मुलाजम है वो आपके अंडर एम्प्लॉयमेंट है या किसी फर्म के अंदर है या किसी दफ्तर के अंदर मुलाजम है या घर के अंदर मुलाजम है, अगर कोई मुलाजम की बात है ये क्लर्क करता है आपका तो फिर आप उसमें 406 नहीं लगती, उसमें 408 होती, 408 का पर्चा आपको रहता है उसके खिलाफ, वो पर्टिकुलरली मुलाजम के लिए लिखा है और क्लर्क के लिए लिखा है। और यही क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कोई बैंकर करता है तो उसके लिए 409 लगेगी, 409। सपोज आपने कैश काउंटर पर गए, आपका किसी बैंक में अकाउंट है, आपने पैसे जमा कराए सेविंग जो आपकी थी या वट एवर जो भी था वो आपने जब पैसे दिए हैं
वो आपको एक रिसिप्ट जारी कर देते हैं, लेकिन रिसिप्ट जारी करते हैं लेकिन आपके अकाउंट फार नहीं करते, और आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जो डेली बेसिस पे आपका अकाउंट फार होती है वो नहीं करते, ओनली रिसिप्ट दी जाती है। आप महीने दो चार महीने बाद या किसी भी वक्त गुजरने के बाद आप जाते हैं इन ऑर्डर टू विड्रॉ योर ओन अमाउंट, तो पता चलता है कि आपके तो अकाउंट में पैसे ही नहीं है। फिर आप जाके कंप्लेन करते हैं मैनेजर को, ब्रांच मैनेजर को या हाई अप्स को, जी ये देखे मैंने पैसे जमा कराए थे फलां दिन आए थे, सीसीटीवी में आप चेक कर ले, मैं ही यह मैं आया, मैंने पैसे जमा कराए, ये मुझे रिसिप्ट भी जारी की गई जो कैशियर है, लेकिन अब वो उसे अकाउंट फार नहीं किया, अगर मेरे अकाउंट में उसको क्रेडिट ही नहीं किया गया, तो दिस इलीगल एक्ट हैज़ बिन डन बाय द कैशियर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पर्सन, जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर फिर 409 का पर्चा होता है, और इनका जो ट्रायल है वो ऑर्डिनरी कोर्ट नहीं करती, जो जो बैंक जराइम कोर्ट है वो फिर इनका ट्रायल करती है। मैं यहाँ पे भी एक चीज़ वाजह करना चाहूँगी, जब आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं स्लिप मिलती है तो उसमें पर्टिकुलर जो टेलर होता है या वो पैसे जमा करने वाला होता है उसका नाम या उसकी आईडी जो वो पंच होती है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके जी, अब कि तो ये सर्टन पर्सन है। हाँ, नए कायदे के मुताबिक और बैंकिंग रूल्स के मुताबिक अब जब भी आप पैसे जमा कराते हैं तो उसमें दो ऑफिसर्स के साइन होते हैं, एक जो कैश रिसीव कर रहा है और एक जो उसको चेक कर रहा है, वो इंडोर्स करता है, तो फिर जाके ये और टेलर रिसिप्ट आजकल कंप्यूटराइज होती है, हाँ जी, वो मशीन में डालते हैं और आपको वो रिसिप्ट देते हैं। लेकिन मैं कहता अगर ये ऐसा कर भी लें तो फिर भी कैश उनके पास पड़ा होता है, अगर वो आपके अकाउंट में आपको ये बताएं कि मॉनिटर तो उनके पास पड़ा है, कंप्यूटर उनके पास पड़ा है, और वो आपको कहते हैं आपका क्रेडिट हो गया है, जबकि आपको जो हेल्पलाइन के ऊपर मैसेज भी नहीं आया, क्रेडिट का जो SMS अलर्ट आता है वो भी नहीं आया, तो आप अगर ऐसी की सूरत हाल हो इसका तदारक क्या है, इसका इससे बचने का तरीक़ेकार क्या है बैंकिंग फ्रॉड से। अगर आप पैसे अपने जमा कराएं तो आपके पास ATM कार्ड नॉर्मली हर बंदे के पास होता है, आप उन्हें अपनी मौजूदगी में कहें जी ये मैंने जो पैसे जमा कराए हैं जिसके आपने मुझे रिसिप्ट भी जारी की है इसको प्लीज़ अभी क्रेडिट करें, और वो क्रेडिट करें, बेशक आपको दो चार मिनट वहाँ वेट करना पड़े, प्लीज़ कम आउटसाइड और उसके बाद आप जाएँ उसके ATM के ऊपर, ATM कार्ड के ऊपर जाके जो मिनी स्टेटमेंट है वो लें, या बैलेंस इंक्वायरी जो आपको तो एक ऑप्शन आता है वो देखें, और उसमें देखें कि क्या आज की जमा शुदा अमाउंट उसमें क्रेडिट हुई है कि नहीं, अगर वो क्लियर नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, देन यू मस्ट गो बैक टू द कंसर्न मैनेजर और कंप्लेन करें कि मैंने पैसे जमा करा, मेरे अभी पैसे अकाउंट फार नहीं हो रहे। सपोज अगर ये हो गया कि वहाँ पे बैंक का लिंक डाउन है या कोई और मसाइल आ रहे हैं जो कि आपके इंटरनल उनके इशू है, जैसे कि समटाइम पोस्टिंग नहीं हो रही होती, सिस्टम में एरर आ रहा होता है, तो उस सूरत में वो आपको 5 बजे के बाद का टाइम देंगे, उसके ऊपर आपने लड़ना नहीं है उनके साथ। जी जी, दैट इज ट्रू, आई डू एग्री विद यू, इसमें ये बात दुरुस्त है, क्योंकि जिस तरह के नेट का सिस्टम है वहाँ पर किसी को लिंक डाउन हो सकता है, बिल्कुल नो इशू, वेट फॉर सम टाइम, आप शाम तक वेट करें, लेकिन इस सूरत में वो पैसे ना छोड़ के आप, मैं कहता हूँ नहीं पैसे दे दें, रिसिप्ट भी ले लें, अगर वो कॉन्फर्म नहीं हुआ ड्यू टू बैड नेटवर्क तो कोई इशू नहीं है, आप अगले दिन चले जाएं, फोन पे कंप्लेन कर दें, उनकी जो इंक्वायरी है हेल्पलाइन पर करें कि मैंने कल पैसे जमा कराया था, मुझे रिसिप्ट जारी हुई थी, अभी तक मेरे पैसे एड ऑन नहीं हुए, और कंप्लेन करें डिपॉजिट टिल द टाइम जो सेटिस्फैक्शन इज नॉट अंडरटेकन, आप उसको रिस्क ना लें और अपने अमाउंट को जो है ना क्रेडिट करवाएं जब तक आपको क्रेडिट का मैसेज नहीं आता। ठीक है सर, इसमें बताइएगा कि अब हम ये तो सारा बात कर रहे थे लीगल प्रोसीजर की, एक आम बंदा जब भी इस तरह की डीलिंग कर रहा है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से बचने के लिए क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो वो कर लें, या कुछ ऐसे कभी भी किसी के साथ, क्योंकि हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, हाँ। हमें चीज़ें देनी भी पड़ती हैं लेनी भी पड़ती हैं, तो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखा जाए कि हमें इस तरह के प्रोसीजर से या लीगल प्रोसीजर से गुजरना ना पड़े और हमारे रिश्ते भी खराब ना हो। जी, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बात आनी है रिश्तेदारों के ऊपर, बात इतनी है कि आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, माँ बाप को छोड़ के, तो माँ बाप नहीं कभी भी चाहते कि वो इस तरह का करें, लेकिन बाकी बाकी रिश्तेदारों को जब भी आप किसी के पास कोई अमानत रखवाएं, वो ज्वेलरी भी हो सकती है, ज्वेलरी भी हो सकती है, वो पैसा हो सकता है, वो आपको कोई वैल्यूएबल एसेट हो सकता है, वो आपका कोई भी एक ऐसा कलेक्टरल हो जो वैल्यूएबल हो, और अगर आप उनके पास अमानत रखवा रहे हैं, प्लीज़ 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 टेक अ रिसिप्ट देयर ऑफ, अगर आप उसके रिसिप्ट नहीं लेते, रिसीट नहीं लेते, उसको रिड्यूस इन राइटिंग नहीं करते, तो ये सारे मसाइल आपके सामने आ सकते हैं। आप लिखें उसमें कि जी ये चीज़ मैंने वहाँ पर रखवाई है, और जब मैं ज़रूरत है कि मैं उसको वापस ले लूँ उसको, और उस जो चीज़ आप अमानत रखवा रहे हैं उसकी तफसील आपने लिखनी है। सपोज़ आप ज्वेलरी रखा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने लिखना ज्वेलरी मैंने रखा दी है, उसमें हम लिखें
कि ये लॉकेट है, ये चेन है, ये अंगूठी है, उसकी शक्ल की, ये हार है, उसकी उसकी आपने फीचर्स उसके लिखने हैं, फीचर्स लिखने हैं और उसके मानत भी लिखनी है, उसकी मानत इतनी है और मैं अमानतन ये रखवा रही हूँ और या रखवा रहा हूँ और मैं इनसे वापस ले लूँगा जब ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये तरीका रिटर्न होगा तो कानून आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने अब सपोज होता क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वहाँ पर होता है जहाँ पर ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा। अब आप यकीनन मैं राह जाते सड़क पर बंदे को किसी अपनी चीज़ नहीं पकड़ाऊंगा, बिल्कुल। इवन मैं तो अपने क्योंकि मैंने कॉल करी, मैं कॉल भी नहीं कराऊंगा क्योंकि ये मेरा मोबाइल लेके कहीं छीन के भाग ना जाए, मुझसे डकैती ना हो जाए, एक्सटॉर्शन ना हो जाए, इसका मिस यूज ना हो जाए। जो कैसे कॉल कर दे जो बाद में मुझे इसका सारी जिंदगी खमियाजा भोगना पड़े। उसका तरीक़ेकार ये है, आप ऐसी चीज़ों से बचने के लिए जब भी कोई मानत रखवाएं तो उसकी रसीद ज़रूर लें इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश के ये ट्रांजैक्शन हुई है। अब बात आ गई ट्रस्ट की, तो हम यकीनन कि ये कई दफ़ा कहते हैं, मैंने अक्सर अवकात देखा है, मैंने बहुत से केसेस हैंडल किए हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के, एपेक्स कोर्ट्स के अंदर भी ट्रायल भी किए हैं, हाई कोर्ट में भी किए हैं। कॉमन कोई एतराज़ ही आता है जिसके साथ फ्रॉड होता है या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, हम उनको कहते हैं बहन या भाई को भी, ये आपने ऐसा क्यों नहीं इसमें रसीद ली, कहते जी देखे नहीं मेरी क्लोज रिश्तेदारी थी, अब मेरा बहनोई था या मेरा साला था या मेरी क्लोज रिश्तेदारी थी, अब उनसे मैं रसीद लेता अच्छा लगता हूँ, पर यही जो लफ्ज़ है ना ये मैं मरवा देते हैं कि रसीद लेना। देखिए अगर आप चीज़ को हैंड ओवर कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है जो दयानतदार शख्स है, जो ईमानदार शख्स है, जिसके पास आप रखवा रहे हैं, अगर मेरी इंटेंशन क्लियर है तो मैं जो कोई तराज नहीं दिखा देना कि भाई ये इतनी चीज़ें हैं जो रखा दे रहे हैं, और बल्कि अच्छा है, खुदा न खास्ता ये दो लोगों के दरमियान ट्रांजेक्शन हो रही है, फैमिली को दीगर मेम्बर नहीं जानते, खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ट्रेजिडी हो जाती है, बंदा इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो बंदा कैसे साबित करेगा ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कोई रिटर्न शेयर में चीज़ होगी तो वो इस्टेब्लिश करेगा ना रिश्तेदारों को, बकिया को, कि ये चीज़ें मेरी हैं मुझे दी दें। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ रखवाएं, वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हो, वो ज्वेलरी हो, वो कैश हो, वट एवर इट इज़, आप वैल्यूबल जो भी एसेट है आप उसकी रिसिप्ट जरूर लें और उसके लिखवाएं कि यह अमानत है और मैं वक्त के आने पर इसको वापस कर दूँ, वरना मुश्किल हो जाएगी। जी जावेद गिल साहब, थैंक यू आपका कि आपने आज हमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अमानत में खयानत के ऊपर कानूनी और समाजी जो मसाइल पैदा होते हैं या कानूनी उसमें कैसे हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं उस पर बहुत वजाहत से बयान किया। थैंक यू आपका। थैंक यू। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी अमानत में खयानत पे जो कि हमें मसाइल होते हैं कि हम एक दूसरे को चीज़ शेयर कर देते हैं कि हमें वापस दे देंगे और इस उम्मीद के साथ कि वो उसमें कभी भी खयानत नहीं करेंगे, लेकिन इंसान होते हुए बहुत सारे ऐसे ज़िंदगी में मामलात आ जाते हैं जहाँ पर इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो आज का प्रोग्राम उसमें हमें काफ़ी रहनुमाई हासिल करेगा कि आप किस तरह उससे बच सकते हैं और अगर कभी किसी के साथ इस तरह का मसला आ जाए तो क्या कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में और नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक पे। देखते रहें नेशनल न्यूज़।